वेलकम इन बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। मैं आज आपको एक विशेष टॉपिक क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम के विषय में जानकारी देने जा रहा हूँ, जो पुरुषों में होता है। पुरुषों में 23वें जोड़े गुणसूत्र के ट्राइसोमी हो जाने के कारण क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम का रोग होता है। 23वां जोड़ा गुणसूत्र एक्स वाई होता है पुरुषों में, इसमें एक्स एक्स वाई हो जाता है 46 के स्थान पे 47 गुणसूत्र। ये आप देख रहे हैं गुणसूत्र, 23वां जोड़ा गुणसूत्र, बड़े दो गुणसूत्र एक्स एक्स और एक छोटा वाई 46 से 47 हो जाते हैं गुणसूत्र की संख्या। 23वां जोड़ा गुणसूत्र एक्स वाई होता है, जिसके स्थान पर एक्स एक्स वाई हो जाता है, अर्थात 46 के स्थान पे 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, जिसके कारण ये लक्षण दिखाई देते हैं। एक्स एक्स वाई हो जाने के कारण एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोजोम्स हो जाता है, जिससे फीमेल के लक्षण आ जाते हैं। ऐसे पुरुषों में वृषण तथा अन्य जननांग अल्प विकसित रह जाते हैं। इसे हाइपेगोनेडिज्म के नाम से जाना जाता है। हाइपेगोनेडिज्म इस रोग को कहते हैं। ऐसे पुरुषों के अंतर्गत मूछ दाढ़ी का विकास नहीं होता है, स्तन ग्रंथियां विकसित हो जाती हैं, अर्थात चेहरा फीमेल की तरह से दिखाई देने लगता है। ऐसे पुरुषों में स्त्रियों के लक्षण आ जाते हैं। मूछ दाढ़ी का विकास नहीं होता, स्तन ग्रंथियां विकसित हो जाती हैं। इसे गायनेकोमैस्टिया के नाम से जाना जाता है। गायनेकोमैस्टिया यह एक रोग है पुरुषों के अंतर्गत, जो एक एक्स गुणसूत्र के बढ़ जाने के कारण होता है। दाढ़ी मूछ का विकास नहीं हो पाता इसके अंतर्गत। इस प्रकार के लक्षण आपको देखने को मिलते हैं एक्स एक्स वाई मेल के अंतर्गत। 23वां जोड़ा गुणसूत्र एक्स एक्स वाई हो जाता है। एक्स एक्स वाई गुणसूत्र के हो जाने के कारण मेल के अंतर्गत फीमेल के लक्षण उत्पन्न हो जाता है। क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम कहलाता है। सन 1942 में एच एफ क्लाइनेफिल्टर ने इस क्रोमोजोमल एब्रेविएशन रोग की खोज की थी। धन्यवाद।